मैथमेटिक्स फोर्थ जो हमारा कंप्लीटली कॉम्बिनेशन है पीडीई का, प्रोबेबिलिटी का एंड स्टैटिस्टिक्स का। ये हमारे पास कंप्यूटर ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, टेक्सटाइल ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है सेकंड ईयर का। इस सब्जेक्ट का जो आपके पास कोड है वो है KAS 302 या KAS 402। अगर आप इस सब्जेक्ट को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो आप कोड यूज़ करते हैं KAS 302, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं तब आप कोड यूज़ करते हैं KAS 402। हमारा जो एक्सटर्नल है वो 100 मार्क्स का है, यहाँ पर 50 मार्क्स का इंटरनल है, तो टोटल जो हमारे पास इस सब्जेक्ट का वेटेज है वो है 150 मार्क्स का। इसके लिए हमें जो प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड है वो मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकेंड, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस कम्प्लीटली डिवाइड है टोटल 5 यूनिट्स में। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट हमारे पास बेस्ड है पीडीई पर, और लास्ट 3 यूनिट हमारे पास बेस्ड है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स पर। तो फर्स्ट यूनिट जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि पीडीई क्या है, पीडीई कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा, तो उसकी नॉलेज हमें यहाँ थोड़ी रिक्वायर्ड होगी कि जिसकी हेल्प से हम पीडीई को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सेकेंड यूनिट जो हमारे पास आती है ये आती है एप्लीकेशन ऑफ पीडीई। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो जो आपके सिलेबस का पार्ट है कि हम जो इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वेव इक्वेशंस, हीट इक्वेशंस, लैपलेस इक्वेशन और ट्रांसमिशन लाइंस में पढ़ेंगे। आगे की हमारी 3 यूनिट डिपेंड्स है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर। तो थर्ड यूनिट अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक वन, फोर्थ यूनिट स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकेंड, एंड फिफ्थ यूनिट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। इस तरीके से हमारा कंप्लीट सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड, फर्स्ट इज पीडीई एंड सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। ये जो हमारे पास सिलेबस है, हम जो इस तरह के लेक्चर्स लेने जा रहे हैं हम वही कवर करेंगे यहाँ पर लेक्चर्स के अंदर। जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे AKTU में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अपने लेक्चर सीरीज में कवर करके चलेंगे। तो मैं वो आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आपका पूरा सपोर्ट हमें मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।